हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे कि दीक्षा ऐप कैसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल या डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन से प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे दीक्षा ऐप सर्च करना होगा। आप देख रहे हो यहाँ एक आ गया है, दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। आपको इसे सेलेक्ट करना होगा। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं इंस्टॉल करूँगी। ये इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लिया। ये थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। लेट्स सी कब तक डाउनलोड हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो फ़ोन में मेरे इंस्टॉल हो गया है दीक्षा ऐप, अब मैं इसको ओपन करूँगी। ओपन पे क्लिक कर दिया मैंने। अब ये खुल जाएगा मेरे फ़ोन में। अब आप देख रहे हो कि एक पहला पेज खुला है जिसमें लिख रहा है वेलकम टू दीक्षा, जिसमें आपको अपनी भाषा चुननी है कि आप कौन सा लैंग्वेज आपको आता है। तो आपको इंग्लिश, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज चाहिए तो हिंदी कर सकते हो। मैं कंटिन्यू करूँगी। हाँ, वेलकम टू दीक्षा, यू आर अ, अगर आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, अदर, तो आप अदर पर सेलेक्ट करिए। अब आपसे पूछेगा बोर्ड, तो आप यूपी बोर्ड सेलेक्ट करिए। ये रहा स्टेट उत्तर प्रदेश, यू से आएगा। आप देखिए, स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है आपको, सबमिट करना है। अब आप पूछ रहे हैं मीडियम, मीडियम आप हिंदी सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप क्लास पूछ रहा है, तो आप क्लास फर्स्ट, जो भी बच्चे की क्लास है उसको सेलेक्ट करिए। थ्री क्लास फर्स्ट, तो मैं फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करूँगी, सबमिट करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। मेरा जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो गया है। मैं प्रोफाइल को ओपन करूँगी। ये क्यों आ रहा है, ये जो प्रोफाइल नीचे लाइब्रेरी कोर्स डाउनलोड बना है, इसमें एक प्रोफाइल लिखा हुआ है। ये मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगी। ये प्रोफाइल खुल गया। प्रोफाइल खोलने के बाद आप देख रहे हो कि नीचे नीचे जाएंगे तो एक लॉगिन आ रहा है। ये लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगी। लॉगिन क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो कि आपकी वेलकम टू दीक्षा लॉगिन के लिए कह रहा है। लेकिन क्या है, आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे। आप ये रजिस्टर हियर, ये रजिस्टर हियर है, इस पर क्लिक करोगे। मैं इस पर क्लिक करूँगी, रजिस्टर हियर, क्योंकि आपके पास अकाउंट नहीं है, लॉगिन नहीं कर सकते, तो आप रजिस्टर हियर करोगे। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अब ये देख रहे हो कि आप भी यहाँ पे आ रहा है। ये खुल गया एक पेज। अब क्या करना है, सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ, आप जन्म की जो तिथि है, अगर बच्चे की जन्म की तिथि जो भी है आप भर सकते हो। इस बच्चे के जन्म की तिथि, डेट ऑफ बर्थ भरना है, तो मैंने जैसे अपना बनाया था तो मैं भरूँगी 1990। आपको बच्चे की भरनी है, जैसे जैसे क्या नाम भरना है आपको, मैं किसी का भी नाम भर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने भर दिया। अब आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भरेंगे। फ़ोन नंबर आपको भरना है, तो मैं भर रही हूँ। फ़ोन नंबर भरने के बाद आप देखते हो यहाँ पे एंटर पासवर्ड मांग रहा है फर्स्ट, और एक जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, मैं यू लिख रही हूँ। उसके बाद आप कोई भी नाम लिखो, तो मैं अब क्रिएट कर रही हूँ। देखें, जैसे कोई नाम लिख दिया, उसके बाद कोई भी ऐसा एक वर्ड अल्फाबेट ऐसा करना है। उसके बाद आप नंबर भी ले सकते, नंबर भी भरना है आपको, ऐसे पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद मैं वन, तो मैंने ये पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब मुझे यहाँ कंफर्म करना है पासवर्ड अपना। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने पासवर्ड कंफर्म भी कर लिया। अब आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स एंड यूज। अब मैं क्या करूँगी, रजिस्टर करूँगी। अब मेरा रजिस्टर हो जाएगा।
मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, अब मेरे फ़ोन में ओटीपी जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। ये रजिस्टर कर दिया मैंने। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये याद आता है ये सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए, क्रॉस वॉक वाला आपको सेलेक्ट करना है, कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन वो आ जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आप वेरीफाई कर लेना इन केस। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे मेरे फ़ोन में ओटीपी जाएगा, मैं ओटीपी एंटर करूँगी जिस नंबर से मैंने रजिस्टर किया है। जो ओटीपी आई है मैं यहाँ रजिस्टर कर दूँगी, उसको सबमिट करना है। ये सबमिट हो गया, अब आपका जो आपने नंबर से लॉगिन किया वो पासवर्ड से अब लॉगिन कर सकते हैं। जो मैंने नंबर भरा था मैं उससे कर लूँगी। अब जो मैंने आईडी बना ली थी अब उससे मैं लॉगिन कर दूँगी, जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था। आप देख रहे हो ये मेरा लॉगिन हो गया। अब आपकी दीक्षा आईडी जनरेट होगी, ये मेरा जनरेट हो गया, मेरी आईडी बन गई। थोड़ा टाइम लगता है इसको करने में। ये देख रहे हो कि मेरी दीक्षा आईडी बन गई है। अब ये एडिट प्रोफाइल कर लिए आ सकता है, सेलेक्ट बोर्ड यूपी बोर्ड मैंने बताया था जैसे, फिर से पूछ रहा है ये। आप कर सकते हो मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, हिंदी मीडियम है आपका तो सेलेक्ट कर लो ना। क्लास फर्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था, क्लास फर्स्ट सेलेक्ट किया, अब सेव कर लिया मैंने, मेरी प्रोफाइल अपडेट हो गई। स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आप सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट कर देना, ये आपका सब सबमिट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो आपकी प्रोफाइल बन गई। अब आपको क्या करना है, फिर प्रोफाइल पे जाना है, चेक करना है, ये आपका प्रोफाइल बन गया। अब आपको क्या करना है, आपने सबमिट कर दिया है, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अब मैंने सबमिट कर दिया है। अब आप देख रहे हो कि सब कुछ करने के बाद एक सबमिट, ये एक सबमिट डिटेल आ रहा है, ये ऑप्शन है एक सबमिट डिटेल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। सबमिट डिटेल पर मैं क्लिक करूँगी। अब आप देख रहे हो यहाँ आपको सारी डिटेल भरनी है कि आई एम विद दिस, आपको अदर भरा था तो अदर भरोगे, विद आपको स्टेट भरना है तो उत्तर प्रदेश भरोगे आप, अब उत्तर प्रदेश भर दिया। फिर आपके पास ये डिटेल आएगा जिसमें आपको अपना नंबर, ईमेल एड्रेस भरना है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन नेम आपके स्कूल का नाम भरना है, आपको जो दीक्षा आईडी जनरेट हुई है या आपके स्कूल की जो यूडाइस कोड है वो भरना है। उसके बाद यूडाइस कोड आपको मैं आपको भर आपको कोई भी यूडाइस कोड भर सकते हैं। ये प्रोसीजर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा।